Have a nice day. पेश है आपके सामने हंसो हंसाओ टेंशन भगाओ के साथ मैं दीपक साहू रानीला। दोस्तों अमेरिका ने एक शोध किया है जिसमें पता लगा है 32,000 जनजातियों में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है। आप ही बता दो आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है? यदि जो आदमी नहीं हंस रहा ये समझो गधे बनने की कगार पर है, और यदि कोई गधा हंस रहा है तो ये समझ लो आदमी बनने की कगार पे है। दोस्तों हंसी खुशी में रहा करो, हंसते हुए रहा करो, क्योंकि सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में मिलते हैं। कहा भी है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना ये समझ लो वो जबरदस्ती जिंदा है। टेंशन तो होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। आजकल आदमी बिना काम की टेंशन लेके बैठ जाए। वो एक भाई तीसरी मंजिल पर खड़ा, नीचे से एक आवाज लगा दी, अरे रामता रे तेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। बस इतना ही सुना था रामता ने तो तीसरी मंजिल पर ते छलांग लगा दी, और वो पड़ता पड़ता दूसरी मंजिल दोहराया। जब उसने सोचा यार तेरा तो कोई छोरा है कोनी, फिर पहली मंजिल दोहराया। जब उसने सोचा यार रामता रे तेरी तो शादी नहीं हो रही, और जब आगे धरती में पाछा लगा ने जब उसका दिमाग ठिकाना आया, ओहो तेरा तो नाम भी राम अवतार कोन्या। एक आधे आदमी का तो यह भी टेंशन हो गया है, यो शैमी अड़ा फोन में केला कह रहा है। वो एक ताई आई मेरे धोरे, बोले अरे भाई तू 24 घंटे फोन में लागे रहा है। मगा हाँ ताई, बोले कि तुम्हारी भैंस से बेकुआ दी। हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए, क्योंकि हंसने से टेंशन कम नहीं होगी ना, तो वो टिंडे वर्गा मुरा खंडते भी कम नहीं होगा। वो एक क्लास में बाती बालक, मास्टर बोलिया भविष्य काल बताओ, मैंने तेरे को 2 थप्पड़ मारे। बोला मास्टर जी इसका भविष्य काल? इसका भविष्य काल यो है सांझ ना आपकी स्कूटी पंचर हुई पाओगी। वो लड़के का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में फेल हो गया, पर न्यू समझ में नहीं आई, घर न जाके के करूं। घर न जाते बाबू बोलिया बेटा तेरे रिजल्ट का के रहा? बोला बाबू वो सरपंच का छोरा है ना वो फेल हो गया। अरे बोला तेरा रिजल्ट का के रहा? बोला वो बैंक में नहीं है रात शाम, उसका छोरा भी फेल हो गया। बोला अरे मैं कौन तेरा रिजल्ट का के रहा? छोरा बोला तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है, मैं भी फेल हो गया। भाइयो न्यू कहेंगे हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब दे है, और न्यू नहीं कहते सवाल तुम उल्टे पूछो हो, उल्टे जवाब थोड़ी दे है तुम सवाल उल्टे पूछो हो। वो एक मिस्त्री घड़ी ठीक करके घंटा घर पर के उतरन लाग रहा। एक बोला भाई घड़ी समार की आया है? बोला ना आँख खराब हो रही है टाइम देखने चढ़ा था। वो एक बताओ का मुकदमा चला गया रेलवे डिपार्टमेंट का, जज ने बैठती है सवाल पूछ दिया, बोला ताऊ के भैंस रेल के पटड़िया पर थी? ताऊ बोला ना भाई वो तो खेत में चल रही थी, वो तो इंजन की नीयत खराब होगी पटड़िया पर के उतर के भैंस पर जा चढ़िया। वो एक भाई साइकिल में हवा भरन लग रहा, वो दूसरा बोला बोला भाई हवा भर है? बोला ना भाई हवा तो काल भरूंगा, आज तो प्रैक्टिस करूं। वो एक नाई दौर गया, नाई बोला बोला बाल छोटे करने हैं, वो भी कसूता था न्यू बोला बड्डे कर सके से। बैठे बैठे जिक्र हो गया, बीवी जी बोली आपको मेरा क्या अच्छा लगता है? मैंने कह दिया मुझे आपका अच्छा लगता है आपकी फ्रेंड शिल्पा, आपके मामा जी की लड़की पूनम, आपकी फ्रेंड सुषमा। न्यू ईयर की पार्टी की तैयारियां चल रही थी, मैंने बीवी को बोला कि आप मुझे खुश कर सकती हो न्यू ईयर पे। बीवी भी तपाक से बोली बोले जी बताइए कैसे? मैंने कहा न्यू ईयर पे अपने मायके जाकर। कल मेरी बीवी मेरे पास तमतमाते हुए आई, बोले जी सुनते हो? मैंने कहा क्या बात है? बोली आज के बाद आप मुझे मीनू कहते हो ना ये बिल्कुल मत कहना। मैंने कहा अरे भगवान इसमें क्या दिक्कत हो गई मीनू कहने में?
बोले हमारा जो बच्चा है ना तारा, वो भी मुझे रोज मिन्नू मिन्नू कहता है। फिर मैंने भी कह दिया, तो उस तारा को सिखाने के चक्कर में मम्मी मम्मी तो मैं भी नहीं कह सकता। वो घर वाले की भी बहस करने की आदत है। बोली इस बार बर्थडे पे मेरे को क्या गिफ्ट दे रहे हो? मैंने बोल दिया आप ही बताइए। बोली पिछली बार तो आपने लोहे का पलंग दिया था, इस बार क्या दोगे? मैंने बोल दिया इस बार उस पलंग में करंट दूंगा, करंट। वो मैंने घर पे फोन किया, घर पे लेट पहुंच रहा था, सोचा खाना तो तैयार रख देगी। मैंने बोला हेलो। बोली हाँ क्या बात है, कब पहुंच रहे हो घर पे? मैंने कहा बस आ ही रहा हूँ। बोली नहीं नहीं बताओ कहाँ हो? मैं बोला वो बस स्टैंड के सामने, हम पिछले साल गए थे और जो ज्वेलरी की दुकान थी। बोली हाँ हाँ, मैं उस ज्वेलरी में आपने एक अंगूठी पसंद की थी। वो खुश होगी, बोली हाँ हाँ अंगूठी पसंद की थी, और मैंने तुमसे कहा था कि वो अंगूठी मैं अभी नहीं, कभी खास मौके आपको दू, कभी खास मौके पर वो अंगूठी मैं आपको दूंगा। वो बोली हाँ 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 कहा था, सब याद आ गया। मैं याद आ गया ना, तो मैं उस दुकान के बगल वाली दुकान में सेव करा रहा हूँ, आधे घंटे लेट आऊंगा। दोस्तों रात को अचानक 12 बजे बीवी की आंख खुली। बोली आपको जो पड़ोस में आई है उस लेडी का नाम पता है? हाँ हाँ पता है, बिल्कुल पता है, सीमा नाम है उसका। बोली आपको तेजा फिल्म में हीरोइन है उसका नाम भी पता है? मैंने कहा हाँ हाँ पता है, वो तो माधुरी थी। बोली खलनायक में? माँ खलनायक में भी माधुरी थी। बोली फिर तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। माँ हाँ क्या टेंशन है। तो उठा के पतीला और सिर पे चढ़ गई। फिर बोली आपको ये याद नहीं 12 बज गए और आज मेरा बर्थडे है। दोस्तों मैंने एक बार फेसबुक पे स्टेटस डाला, मैंने कहा बीवी मायके गई है, चाय बनाना है पर बनाना नहीं आता। तभी एक दोस्त ने शानदार कमेंट भेजा, अरे चाय बनाना भी क्या मुश्किल है, कुकर में डाल के 2 सीटी मरवा ले। फिर एक और दोस्त ने कमेंट दिया, अरे भैया चाय बनाने से पहले चाय पत्ती भिगो लियो, टाइम कम लगेगा। फिर एक और दोस्त, उसने तो हद ही कर दी, बोला अरे हेलो, अरे भाई साहब क्यों चाय बनाने में टाइम खराब कर रहे हो, एक बार सीटी मार दो पड़ोसन ही चाय दे जाएगी। एक बार रात में सो रहे मैं बोला नींद नहीं आ रही, घराड़ी ने भी कोई सुत्ता जवाब दे दिया। बोली खड़ा होगी बर्तन मांझ ले। मैं बोला अरे मेरी सासू नींद में बांटू सू। हरियाणा का आदमी इतना अजीब जवाब है कि पूछो ही मत। आपने भी कई किस्से सुने होंगे, लेकिन एक किस्सा मैं बताता हूँ। वो एक दोस्त पार्क में अपने कुत्ते को घुमा रहा, सामने से एक आदमी आया, बोला नमस्कार भाई साहब। बोला जी नमस्कार। बोला कुत्ता घुमा रहे हो? आदमी सोचा है क्या पूछ लिया, तभी वो दोबारा पूछा, बोला भाई साहब कुत्ते को घुमा रहे हो? तो बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, बोला नहीं भाई साहब कुत्ता नहीं है, ऊंट है, इसका साइज थोड़ा छोटा रह गया। थोड़ा आगे निकला था, एक भाई साहब आए, बोला नमस्कार जी। मैंने कहा नमस्कार। बोला बीड़ी पी रहे हो? मैंने कहा ना भाई, अगरबत्ती सुलगाई है, पूजा करनी है। थोड़ा आगे गए, एक आदमी मर गया, उसको ले जा रहे थे, एक भाई साहब से वहां भी नहीं रुका गया, एक को पकड़ के बोला भाई साहब मर गया क्या? मैं बोला नहीं नहीं घुमा के लावा है, सामने वापिस घर छोड़ देंगे, और तू कहता हो तो तारे छोड़ देंगे। एक भाई का हाथ टूट गया, हाथ पे प्लास्टर बंध रहा। एक दोस्त मिल गया, बोला भाई हाथ टूट गया? उसने भी अजीब जवाब दिया, बोला ना भाई नया फैशन चल रहा है। ऐसे ही थोड़े आगे एक आदमी मिल गया, उसकी तो पूछो ही मत। बोला नमस्कार भाई साहब। मैंने कहा नमस्कार। बोला रोज तक जा है? मैं बोला ना मैं तो रोज तक जा था। बोला अच्छा, मैं तुम सोचा रोज तक जा है। बोला ना ना मैं तो रोज तक जाना। वो एक भाई बाजा बाजा डाकखाने में गया, बोला नमस्कार जी। बोला हाँ जी नमस्कार। बोला जी रिपोर्ट लिखियो, मेरी बीवी गुम हो गई। बोला भले आदमी, यो डाकखाना है, पुलिस स्टेशन थोड़ी से। आदमी बोला, आदमी ने कसुत्ता जवाब दिया, बोला क्या करूं कहां जाऊं, खुशी के मारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों बच्चों का भी पता नहीं कब क्या कर दे और माहौल संभालना पड़ जाए। वो एक बार बच्चे से मैं बोला कि
कितने महीने हो गए जाते हुए, नोटबुक लेके आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। बच्चा डरते हुए अपने नोटबुक, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर सब लेके आ गया। अचानक लिखते लिखते उसकी पेंसिल नीचे गिर गई, तो लड़का चेस्ट पे हाथ रखा और नीचे से पेंसिल उठा ली। थोड़ी देर बाद लिख रहा था तो उसका शॉर्पनर नीचे गिर गया, लड़के ने फिर चेस्ट पे हाथ रखा और शॉर्पनर उठा लिया। मैंने बोला, अरे बेटे तारा, ये जो तुम बार बार चीजें उठाते हो तो चेस्ट पे हाथ क्यों रखते हो? तारा ने भी बड़ा जवाब दिया, बोले पापा हमारी मैम भी ऐसे उठाती है। मैंने बोला, नहीं मैम को वैसे उठाने दो, लेकिन तुम चेस्ट पे हाथ नहीं लगाओगे, तुम ऐसे उठा लोगे। तो लड़के ने जवाब दिया, बोला नहीं पापा ऐसे नहीं उठाऊंगा, एक बार हमारी मैडम ने बिना चेस्ट पे हाथ रखाए और नीचे से पेंसिल उठाने लगी तो उसके अचानक दोनों फेफड़े बाहर आ गए। दोस्तों आज की लाइफ में टेंशन तो बहुत है, तो इसीलिए हंसो हंसाओ टेंशन भगाओ इस एपिसोड के साथ आपके बीच में आए हैं। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, और नए एपिसोड की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।